ये सुबह 4 बजे का टाइम है और ये बच्चा सुबह 4 बजे उठ गया। मेरे सर में दर्द हो रही है, इतना 4 बजे उठ के बैठ गया। ये बेडशीट हो गई है जी चेंज, क्योंकि आज कोई स्पेशल आ रहा है। आज मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि आज सईद आ रहे हैं। लेकिन सईद ने लेट आना है, रात को आना है 8-9 बजे के करीब, और फिर संडे को वापस चला जाना है, फिर वीकेंड पे आना है, और फिर उसके बाद सईद आएंगे 15 दिन के बाद। आज सईद आ रहे हैं, पूरे महीने बाद मैंने मिलना सईद से, महीना हो गया मुझे यहाँ पर। सो इसलिए मैंने ज़रा बेडशीट वगैरह चेंज की है, और आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक सबको। और अब मैं थोड़ा ज़रा, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज कर लूँ तब तक मैं शवीर को ब्रेकफास्ट करवा लूँ। चीखे मार रहा है वो भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। अब थोड़ी मैं होश मेरे कायम हुए हैं। सुबह मेरी बत्ती गुल हुई हुई थी, 4 बजे ये बच्चा उठ गया था, 4 बजे हैं। फिर ये सोया है कोई 6-6:30 बजे दोबारा, और फिर ये 9 बजे उठा है। अब मैंने इसको कैद किया हुआ है इसके बेड के अंदर, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना कहवा। इसको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आ रही है सही। आज मैं खुश हूँ, इतनी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि कब फ्राइडे आएगा, कब फ्राइडे आएगा, कब फ्राइडे आएगा, तो आज फाइनली आ गया है फ्राइडे। लेकिन सईद ने शाम को रात को आना, सारा दिन गुजरने के बाद, लेकिन चलो आ तो रहे ना, पूरे महीने बाद आना है। ये बच्चा क्या कर रहा है, दिखाती हूँ। ये क्या कर रहे हो, इस चेयर को पहले इसने यहाँ से सारी चीजें जो है वो पकड़ी है, वो मैंने सारी पीछे की है, और अब ये इधर को आ गया, बड़ा तेज हो गया ये। अब ये जाके ना उस तार को पकड़ता है। शवी नाइन, कहवा मेरा बन गया और मैं पी रही हूँ कहवा। शबीर साहब देख रहे हैं अपनी कोकलियां मैलिनियां। शबीर साहब जो है वो सो गए हैं। अभी इस टाइम में 1:30 बजने वाला है, शबीर साहब सो गए हैं, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था शबीर की वजह से, क्योंकि मैं उसके साथ बैठी हुई थी। बड़ी शरारतें करता है, अब 1 मिनट के लिए भी नहीं उसको अकेला छोड़ सकते हैं। तो मैंने कहवा अपना पी लिया था, और अब मैं जो है खाने लगी हूँ अपना सैंडविच, मैं और मेरा सैंडविच। एंड पे यही मेरा साथ देता है। आप लोग कहते होंगे कि हर टाइम सैंडविच ही खाती रहती है, लेकिन जब आप डाइट कर रहे हो ना, तो उस डाइट में आपको एक चीज़ 1000 दफ़ा भी खानी पड़ती है, क्योंकि आपको छोड़ नहीं खा सकते। तो बेहतर है कि मैं इधर उधर की रोटी खाऊं, कोई चावल खाऊं, उससे बेहतर है कि मैं ब्राउन ब्रेड के अंदर चिकन लगा के सैंडविच बना के खा लेती हूँ। थोड़ा सा ज़रा टेस्टी भी बन जाता है, थोड़ा पेट भी भर जाता है उससे। तो ये मेरे डाइट का साथी है। और नहीं, बाकी में ये टेस्टी भी होता है, ये नहीं है कि ऐवी सा इसका जो मैं चिकन बनाती हूँ ना, इसका मसाले मसूले डाल के वो टेस्टी होता है। तो अब मैं थोड़ा ज़रा अपना सैंडविच खा लूँ आराम से बैठ के, और फिर मिलूँगी आपसे। आज ये लोग सारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
पता है ये यहाँ पर इस तरह ना आप कुछ भी घर से अपना कुछ भी बना के लिए हैं और यहाँ पर बैठ के तो सारों के साथ ब्रेकफास्ट करें, जैसे बुफे टाइप। वो पीछे टेबल लगी हुई है, वो पीछे ना वहाँ पर आप कुछ भी वन डिश पार्टी नहीं जैसे होती है उस तरह की। लेकिन सैडली हम लोग तो नहीं जा सकते, ना हम खा सकते हैं। जा सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं क्योंकि हराम है, ये लोग सारा खाते हैं। लेकिन खैर इंजॉय कर रहे हैं। So, इतना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट आया, सईद लेके आया मेरे लिए गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट, आते साथ ही कपड़े धो। इससे बड़ा गिफ्ट कोई और सकता था? फाइनली सईद आ गए हैं, पूरे 8 बजे आए हैं। मुझे कल के कह रहे थे मैं 8 बजे पहुंचूंगा, 8 बजे पहुंचूंगा। तो आपने देखा कितना बड़ा मेरे लिए गिफ्ट आया, तोहफा आया, आते साथ इतने सारे कपड़े दे दिए धोने के लिए। मैंने कहा वहाँ पे मशीन सारा कुछ होता है जहाँ पर ये ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, कहते हैं हाँ होता है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। और वो जल्दी फिर ड्राई भी नहीं होते हैं, इसलिए मैंने कहा चलिए तो धो लूँगी। अब कपड़े डाल के आई हूँ मैं मशीन पर इस टाइम रात के 8 बजे, 8:30 हो गया बल्कि अब तो। तो बस अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, सईद आ गए हैं, कल फिर डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं जाएंगे ज़रूर। तो फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जर्मिस्तानी जोड़ा, शेयर विद एवरीवन, क्लिक द बेल आइकन बटन, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।